अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हरपल जियो का ड्रामा सीरियल बेलेगम जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इन वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जब अलीजा तो बहुत गुस्से में होती है तो कहती है अफशीन बेगम के, आखिर तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुमने तो एक मिनट में सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए अफनान से, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो। ये बात सुनकर अलीजा कहती है कि क्योंकि अफनान को किसी गुलाम की ज़रूरत है जो हर वक्त उसकी पैरवी करे, जो वो कहे वो करे, उसे किसी बीवी की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर अफशीन कहती है कि तुम इतने साल उसके साथ रही हो, बचपन से तुम उसके साथ हो, और आज सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से तुमने उसे मंगनी ख़त्म कर दी। तुम जानती हो बहुत अच्छे तरीके से कि तुम भी उसके बगैर नहीं रह सकते। ये बात सुनकर कहती है अलीजा कि यही तो अफनान की भी गलतफहमी है, मैं उसके बगैर रह सकती हूँ और अब मुझे इस बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करनी, बेहतर ये होगा कि आप मुझे इस बात के लिए फोर्स ना करें तो ही अच्छा है। ये बात सुनकर कहती हैं अफशीन बेगम के तुमने बहुत गलत फैसला किया, तुम जाओ और जाकर अफनान से माफ़ी मांगो। तो कहती है अलीजा कि अब मुझसे माफ़ी मांगने वाले ड्रामे हरगिज़ नहीं होते, क्योंकि मैंने अब फैसला कर लिया यही, और मैं फ़िलहाल इसके अलावा कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, बस बहुत हो गया, मैं अफनान के साथ सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर चुकी हूँ। ये बात सुनकर कहती है अफशीन के तुमने बहुत गलत किया, तुमने एक मिनट के लिए भी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। ये बात सुनकर अलीजा कहती है कि जो मैंने करना था वो मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मुझे बार बार ऐसे कोसने की कोई ज़रूरत नहीं, बस बहुत हो गया। ये बात सुनकर कहती हैं अफशीन बेगम के बस बहुत हो गया, तुम्हारे लिए बेहतर ये कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे तो अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो अलीजा कहती है कि आपको सफनान की वजह से मुझसे खफा होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। तो अफशीन कहती है कसूर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही है और किसी का नहीं, और तुमने इतनी ज़्यादा बेअकली से काम लिया, एटलीस्ट तुम मुझसे डिस्कस तो कर लेती ना ये बात, लेकिन तुमने तो अंगूठी वापस करके सारे किस्से ही ख़त्म कर दिया। ये बात सुनकर कहती है अलीजा कि मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक ही किया है और मुझे इस बात पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। सब कुछ देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। वीडियो शेयर को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।